हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहे की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट से बनके तैयार हो जाती है, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। पोहा सबको बनाना भी आता है, बट मैं इसे आपको अपने तरीके से बनाकर दिखाती हूँ। तो चलिए देखते इसे कैसे बनाते हैं। तो अब हम पोहे को भिगोएंगे। तो इधर पे मैंने स्ट्रेनर लिया, इसमें पोहे को डाल दिया। इसमें एक ही फ्लो में पानी डालेंगे ताकि पोहा अच्छे से भींग जाए, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे स्पून की हेल्प से हटा देंगे ताकि जब तक हम सब्जी वगैरह इसके लिए फ्राई करें तब तक ये सॉफ्ट हो जाए। पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारा पोहा है वो गल जाएगा। तो ऐसे इसका पानी निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इधर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा था, तो तेल गरम हो चुका है। तो इसमें 1 टीस्पून राई डाल देंगे। जैसे राई चटकने लगेगी तो इसे 1/2 टीस्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे। प्याज ऐड कर देंगे इसमें, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बीच बीच चलाते जाएंगे ताकि जो प्याज है वो जले ना। तो देख सकते हैं आप कि जो हमारी प्याज थी वो फ्राई हो चुकी है। तो इसी स्टेज में इसमें आलू ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड कर देंगे इसमें, और अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को। एक कटी हुई इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। मैंने बाद में इसमें मिर्ची ऐड किया, आप चाहें तो तड़के के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी साथ में, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए कॉर्न, जिससे हमारा पोहा बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। नमक ऐड कर देंगे इसमें, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जितना आपको पसंद हो। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। सभी को मिक्स कर देंगे और थोड़ा देर के लिए इनको ढककर पका लेंगे। तो इधर जो हमारी सब्जियां थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसी स्टेज में इनमें पोहे ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे। अब अच्छे से मिला देंगे सब्जियों के साथ। अब इसमें ये आधा नींबू का रस ऐड करेंगे, फिर इसमें रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे, और फिर हमारा बढ़िया सा पोहा बनके रेडी हो जाएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में तो ले ही सकते हैं, साथ ही बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसमें जो मैंने आलू कट करके डाले हुए थे, इससे जो पोहे का टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसे एक बार और ढक देते हैं कुछ सेकेंड के लिए, फिर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सा बना हुआ है ये पोहा। तो चलिए अब इसे प्लेट में निकालते हैं। अब इसमें ये आलू भुजिया वाली नमकीन डाल देंगे, और हमारा बढ़िया सा पोहा बनके रेडी है। तो आ जाइए, आप लोग भी करते हैं साथ में ब्रेकफास्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल में विजिट करने के लिए। तो मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।